और मेरे सलमान भाई का नाम ले रही है। सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर। तेरे सड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम भी मत ले। हैप्पी दिवाली। हाँ, मैंने सोचा सब लोग हॉलीविन बन के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे। आजकल को नया बेचारे, जब से कोरोना खत्म हुआ है सब लोग इंतजार कर रहे किसके घर में पार्टी हो, और नए नए घाघरा चोली शोरूम में से ले लेके पहन पहन के जाए। वैसे उनको इतना शौक है, किसी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस मीडिया में दिख जाए, लेकिन कबूल करने को तैयार नहीं है ये सेलिब्रिटीज। देखो राकेश जी, दुबई में आप, हम तो सीधा बोलते हैं, हाँ भाई हम तो तैयार हो के आए, हे हेलो मीडिया, चलो हमको दिखाओ, पब्लिक तक पहुंचाओ, यू नो। शेख जायद रोड पे क्या एक अच्छी जगह है, वहाँ पे जितने इंडियंस है वहाँ पे, क्या नाम है थोड़ा सा बताओ। वो ऑफिस है अलकरामा में, शेख जायद रोड पे सारे इंडियन भरे हुए। आप सोच सकते हो क्या मुझे दिवाली मिस ही नहीं की मैंने, क्योंकि दुबई में इतने इंडियंस हैं, सबने बाहर दुबई में सब इंडियंस लोगों ने अपना घर सजाया था, इतने पटाखे छोड़ रहे थे, क्या बिलीव कर सकते हो दुबई में, वाह है, बड़े बड़े पटाखे, सुरसुरी बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, रावण बॉम्ब, सारे बॉम्ब छोड़ रहे थे दुबई में सब लोग, रियली बहुत मजा आया। वो सब छोड़ो, मेरे बाल कटवा के आई दुबई में, अच्छा लुक लग रहा है आपका, ये इनका चॉइस है, कहते बाल कटवा दे तू और छोटी दिखेगी, तो एक काम करती हूँ टकलाई करवा देती हूँ तो और छोटी दिखूंगी मैं। छनकी देखो, एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, एक्शन है, डिप्लोमा है हमारे पास, हमारे पास 6 मंथ्स का डिप्लोमा होगा, यही कहेंगे आओ हमारे पास सीखो, कुछ बनो, स्टार्स बनाएंगे हम आप लोगों को। गल्फ कंट्री में जितने भी इंडियंस, पाकिस्तानी सब लोग हैं, देखिए पाकिस्तान से यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम है, वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी। एक सलून गए थे जहाँ राखी का बाल काट रहे थे, बाल काटा मेरा, वो बोल रहे थे ओनर कौन है, ओनर बोल रहा है एक पैजामा में है, एक इंडियन ड्रेस में है, तो बोल रहे हैं हम दो पार्टनर हैं, एक इंडियन एक पाकिस्तानी, सोचो 25 साल से पार्टनर है, कितनी अच्छी बात है, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब दुबई में मिलके रहते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब लोग आओ, डांस सीखो, जुम्बा सीखो, योगा सीखो, एकेडमी में, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी मिलके रहते हैं उधर अब राखी पहुँच गई है, सोचो। साथिया जब डांस, अरे करने दो इन लोगों को, बगैर एंटरटेनमेंट के रहने दो पब्लिक को, इनको मालूम पड़े कि राखी रहती है तो क्या कभी चुड़ैल बनती, कभी भूत बनती, कितना एंटरटेन करती है, लास्ट ईयर हैलोवीन में शैतान बनी थी क्या, स्पाइडरमैन आल्सो, कभी स्पाइडरमैन बनती क्या, अलग अलग इनको मालूम होना चाहिए पब्लिक को, अब बाद में बोलते क्या हर साल क्या राखी को बुलाते हो, तो अब रहो बगैर एंटरटेनमेंट के, क्यों अंदर कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपना हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठे हुए, अगर आपको हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठना था तो आपको बिग बॉस में जाना ही नहीं था, आप बाहर ही रहते, हर पार्टियों में अलग अलग लुक्स करके आके साइज 0 और हड्डियों का ढांचा बन के आते हैं, और आप हाई सोसाइटी बन के बैठते, आप एक रियलिटी शो में हैं, रियलिटी शो का मतलब है पूरी दुनिया को, देश की जनता को एंटरटेन करना, जो कि मैंने किया है, आज आधी रात को भी मेरे को बिग बॉस में डाल देना, मैं ऐसा ऐसा करूँगी, ऐसा ऐसा करूँगी ना, वो शालीन का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा सबका। पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा, साजिद खान बहुत कसूरवार है लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा, क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है, जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, कोर्ट ने उसको सजाए फांसी या काला पानी की साजिद खान को सजा ही नहीं दी, तुम मेकअप 4 किलो का लगा के साड़ी पहन के मीडिया के सामने जाके दूसरों पे दोष लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, चिल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाते तुम, किसी पे दोष लगाने से पहले 10 बार सोचो, ये मीडिया है दूध का दूध पानी की पानी कर देगी, अब पुलिस को भी पता चला कि केस में दम ही नहीं है, ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है, कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए, कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए, क्या है इसको प्रॉब्लम, उसको ऐसा लगा जो लड़की आप कह रहे हो जिसका नाम ले रहा है, मुझे तो नाम भी नहीं लेना है, ये हर 6 महीने में जाती है किसी पर रेप का केस लगाती है,
या गलत है? साजिद खान एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छी बहन फरा खान के भाई है, इस देश के नागरिक है। सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। तुम लोग साजिद खान के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया अभी बिग बॉस में। ऐसे ही होता है, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, ना लेते हैं। अब तक साजिद खान बिग बॉस में नहीं गया था तो सब चुपचाप बैठे थे, ये गलत बात है ना भाई। अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा हो या ना हो, राखी सावंत हमेशा रहती है खड़ी, और खड़ी खड़ी ऐसी कोई भी लड़कियां आए, ये तो टुच्चियां हैं, सब टुच्चियां। इन्होंने क्या किया, इनका बैकग्राउंड देखो यूट्यूब में जाके, कैसे गंदे गंदे कपड़े, बगैर कपड़ों के इन्होंने क्या क्या किया है, गलत बात है। मुझे तो किसी के लिए बोलना ही नहीं है, मैं खुद डर जा रहा हूं राखी का रूप देख। हां रूप देखो मेरा, हां क्योंकि मुझे अन्याय है ना, जी और जीने दो, देखो जी और जीने दो। कोई इंसान स्टार बन रहा है, आपस बॉलीवुड में काम कर रहा है, काम करने दो उसे, यू नो। आपका करियर नहीं बन रहा तो आप रो रही हो, आपको पुलिस स्टेशन में केस नहीं है बन रहा तो आप रो रही हो मीडिया में आके चिक चिक के, और मेरे सलमान भाई का नाम ले रही है, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर। तेरे सड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम भी मत ले, समझे ना, मेरे को मिले ना ऐसा फोड़ के तो छोड़ो, ऐसा उल्टा लटका दूंगी ये नींबू के पेड़ पे।